बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड टू, हाउ आर यू? आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो, सिटी कैंपस भलवाल। इट्स साइंस ग्रेड टू। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड इट्स आर चैप्टर नंबर 3 एंड इट्स लेक्चर नंबर 30। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है यूजेस ऑफ प्लांट्स के नाम पे है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं, आप अपने घर में जरा निगाह दौड़ाएं, अपने हाउस के अंदर आप देखें या आप अपने बेडरूम में देखें, तो आपको कौन कौन सी चीजें जो हैं वो नजर आती हैं, मुझे उनके नाम बताएं। ओके, बेड नजर आता है, वेरी गुड। नंबर 2, डोर नजर आता है, वेरी गुड। नंबर 3, विंडो नजर आती है, दैट्स गुड। और इसके अलावा अलमीरा भी नजर आती है। आप जरा ये बताएं कि ये सारी चीजें कैसे बनी हुई हैं, किस चीज से मिलकर बनी हुई हैं? ये जो बेड है ये किस चीज से बना है, डोर किस चीज से बनी है और विंडो किस चीज से बनी है? आपका जवाब जो है वो एक ही है, ये सारी चीजें वुड से बनी हैं, लकड़ी से बनी हुई हैं। जी हाँ, और ये लकड़ी हमें कैसे हासिल हुई? प्लांट से हासिल हुई। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमने प्लांट्स के यूजेस के बारे में पढ़ना है। प्लांट्स एंड यूजेस, बहुत अच्छे। प्लांट्स के क्या क्या यूजेस हैं इनके बारे में बात करनी है। सबसे पहले तो ये बात है, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस इन मैनी वेज। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है, इनसे बहुत सारी चीजें हमें हासिल होती हैं। नंबर 1, हम जो खुराक खाते हैं वो प्लांट से हासिल करते हैं। प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। नंबर 2, जो मेडिसन्स भी हम यूज करते हैं उनमें से मैक्सिमम जो मेडिसन है, ज्यादातर मेडिसन्स जो है वो प्लांट से हासिल होती हैं। उसके बाद रबड़ जो होती है ये प्लांट से हासिल होती है। ओके, कोई और चीज? ओके, गम जो हम हासिल करते हैं, जो चीजों को बाइंड करती है, जोड़ती है, ये भी प्लांट से हासिल होती है। फिर इसके अलावा कोई चीज है? यस, फाइबर्स। ये जो कपड़े आप लोग पहनते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं, ये प्लांट से ही हासिल किए जाते हैं। फिर इसके अलावा ऑयल्स भी जो हम हासिल करते हैं वो भी प्लांट से होते हैं, जैसा कि मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, सरसों के पौधे से हासिल होता है। फिर जो परफ्यूम्स होते हैं उनमें से भी बहुत ज्यादा प्लांट से हासिल होते हैं। और एंड पे मैं पहले बता चुका हूं, वुड तो प्लांट से ही हासिल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स के कितने ज्यादा यूजेस हैं जो आज आपको पता चल रहे हैं। नंबर 1, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। नंबर 2, दे गिव अस फूड, दे गिव अस मेडिसन, दे गिव अस रबर, दे गिव अस गम, दे गिव अस फाइबर, वी गेट ऑयल फ्रॉम प्लांट, वी गेट परफ्यूम एंड वुड फ्रॉम प्लांट्स। इट मींस प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। अब ये स्टूडेंट, सबसे पहले हमने मेंशन किया कि प्लांट्स फूड के तौर पर हम हासिल करते हैं, और कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स हम खाते हैं। जी हां, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, वी ईट रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। आप सबको पता है, वन में आप पढ़ के आए हैं कि रूट्स प्लांट का वो हिस्सा है जो जमीन के अंदर होता है। यस, और हम कुछ प्लांट्स की रूट खाते हैं। जैसा कि आपके सामने इस वक्त जो प्लांट मौजूद है, जरा गौर से देखें, इसको हम कहते हैं कैरेट। ओके, और कैरेट का जो ये वाला हिस्सा है ये जमीन के अंदर होता है और ये बाहर होता है, और ये जमीन के अंदर होता है इसलिए इसको कहते हैं रूट्स, और यही जो रूट्स हैं ये हम खाते हैं। ओके, इसके अलावा कोई एग्जांपल है? जी हां, मौजूद है, जैसा कि रेडिश एक एग्जांपल है, जिसको आप मूली भी कहते हैं और हम खाते हैं। इसके अलावा बीट भी इसकी एक एग्जांपल है।
ओके डियर स्टूडेंट, मैं क्यों ना जल्दी से आप लोगों के लिए रिपीट कर दूं। मैंने आपको बताया प्लांट्स आर यूज्ड फॉर फूड। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनसे हम फूड हासिल करते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स को हम खाते हैं। वी ईट रूट्स ऑफ सम प्लांट, फॉर एग्जाम्पल कैरेट, नंबर टू रेडिश एंड नंबर थ्री बीट। इन सब की रूट्स हम खाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर बुक रीडिंग। और बुक में आप लोगों ने पेज नंबर 16 पर आना है। और सबसे पहले तो ये वार्म अप एक्टिविटी को सॉल्व करें। सर्कल द पिक्चर्स दैट आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ ए प्लांट। ये आपने उन चीजों को सर्कल करना है जो वुड से बनी हुई हैं, और ये आपने खुद करना है। मैं आपको गेस दे देता हूं कि ये बोट जो है ये वुड से बनी हुई है और मैंने इसको सर्कल किया। इसी तरह आपने भी करना है। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। दे गिव अस फूड, मेडिसिन, रबर, गम, फाइबर्स, ऑयल्स, परफ्यूम्स, वुड एटसेट्रा। So you can see that plants play a very important role in our day-to-day life. पौधों से हम ये सब कुछ हासिल करते हैं, तो plants का बहुत अहम किरदार है हमारी जिंदगी में। Food पे आए, we get most of our food from plants. ज्यादातर food हम plants से हासिल करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, plants are the primary source of the food. We eat different parts of the plant. Number one, roots. कौन कौन से प्लांट्स की रूट्स हम खाते हैं। वी ईट द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैरेट, गाजर बोलते हैं, रेडिश मूली, बीट जिसको चिकंदर बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर होमवर्क। टॉप पे डेट और टिक करनी है होमवर्क के ऊपर। यूजेस ऑफ प्लांट्स, क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कैरेट प्लांट डू वी ईट। कैरेट प्लांट का वो कौन सा हिस्सा है जो हम खाते हैं। मैं बता चुका हूं, वी ईट रूट्स ऑफ कैरेट प्लांट। हम कैरेट प्लांट की रूट को खाते हैं। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूजेस ऑफ प्लांट्स विद योर पेरेंट्स एंड विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।